समझ गया, मेरा व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा है मेरा शहर, मेरे पास दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं पहुंचा, मैंने कहा सर मुझे आज आपसे जबलपुर के लिए कुछ मांग करनी है। हंसने लगते हैं मुझे देख के, कहते हैं विवेक क्या चाहते हो तुम जबलपुर के लिए, तुम जो चाहोगे मैं दे दूंगा। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि जबलपुर में एक कैबिनेट मीटिंग हो। मैंने चिट्ठी दी, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, हंसने लगे, कह लगे तुम बहुत होशियार हो, तुमको पता है कि एक कैबिनेट मीटिंग से कितनी सारी उत्तर आ जाते हैं, तो तुमने बहुत सोच समझ के कि ऐसी चीज मेरे को प्रपोज की है जिसको मैं नहीं भी कह सकता और मुझे करने भी प्रसन्नता होगी और वहां के शहर के लोगों भी के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज होगा। मैंने 56 में जबलपुर के लिए वो निराशा कर दिया, हम कैपिटल ही बन पाए। उस दिन से हम पिछड़ते चले गए, हम ना पूना बन पाए, ना हैदराबाद बन पाए, ना इंदौर बन पाए, ना आज रायपुर की बराबरी कर पा रहे, बहुत पीछे हम लोग, क्योंकि हम राजधानी नहीं बन रहे। तो मेरा आज आशय यह था कि आप ये अनाउंसमेंट करके कम से कम हमारा मोराल तो उठाइए, हम कम से कम ये तो सोचे कि हम राजधानी के समकक्ष तो है कि नहीं, हमारे यहां भी कैबिनेट मीटिंग हो रही है जैसे भोपाल में होती है, क्योंकि और किसी बड़े शहर में हुई नहीं थी अभी तक। उन्होंने 16 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग की और जब कैबिनेट मीटिंग हुई तो लगभग 2700 करोड़ की, जैसा धनुर जी ने मुझे बताया, प्रोजेक्ट की स्वीकृति हमारे कैबिनेट ने जबलपुर संसदीय क्षेत्र के लिए दी। मेरे को नहीं लगता है जबलपुर के इतिहास में 2700 करोड़ की कभी इतने टोटल प्रोजेक्ट नहीं आए होंगे जितना कि हमको एक दिन में स्वीकृति मिली। कितने सारे महाविद्यालय है, ना 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 कांग्रेस की ना बीजेपी की, फौज जो होती है देश का सम्मान होता है, और आप फौज के नाम पे और शहीदों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इस तरह का प्रधानमंत्री इसके देश में कभी नहीं आया है। और ठीक बात है, जबलपुर एक उस वक्त जबलपुर एक बड़ा शहर था जब रायपुर बहुत छोटा शहर था, भोपाल एक और छोटा शहर था, मतलब ये जबलपुर उस वक्त मध्य प्रदेश का सबसे बड़े शहरों में था 56 में जब स्टेट बना। देखते देखते जबलपुर पीछा चलता चला गया और खत्म होता चला गया। तो हमारी फैक्ट्रियां में 1 लाख आदमी काम करता था, 5000 कर रहे हैं। एक ट्रेन जबलपुर से रोज नागपुर जाती है मरीजों को लेकर, क्योंकि अच्छे अस्पताल नहीं है, थोड़ा भी कोई पेशेंट सीरियस हो जाता तो कहते हैं नागपुर ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, बॉम्बे ले जाओ, आपके घर के भी होते होंगे। मैं तो यही तो सब बातें बोल रहा हूं, हमारा सांसद कहता है कि ये हमारा विषय नहीं है। अरे सांसद का ये विषय नहीं है तो क्या विषय है? मैं कहता हूं जबलपुर का हर विषय मेरा विषय है।